ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଲଭ୍ କରୁଛି, 1 4 3 ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦିୱାନା। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଟନେସ୍, ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲେ ସେ। ୱେଲ୍, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ପ୍ରିଟି, ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନମ୍ରତା ଥାପ୍ପା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛି ହୁଁ, ଦେଖା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଶ୍, ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍କୁ ପୁରା। ୱେଲ୍, 18 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହି, ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ସ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। हाँ जी, हजी जाइए अपन कहीं नहीं खोई थी, मैं यही हूँ, यही थी। इतना प्यार मुझे यहाँ की ऑडियंस ने दिया है, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। जैसे मेरे से यहाँ की ऑडियंस जुड़ी हुई है, ऐसे ही मैं भी यहाँ की ऑडियंस के साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ। बस एक छोटा सा एक सरप्राइज लेकर आ रही हूँ जो बहुत जल्दी ऑडियंस को मालूम पड़ेगा। प्रेमर ऋतु चली, एक्चुअली वैलेंटाइन्स वीक चलती, प्रेम ऋतु आसिले दमदार परफॉर्मेंस एंड रोमांस देखिकी तो बहुत फैन मैंने दीवाना होते। वेल, आपन को कौन डिफरेंस लगे बाहर फिल्म इंडस्ट्री और ओडिशा रो फिल्म इंडस्ट्री भीतर? एक्चुअली अभी तक मैंने जितना भी काम किया है बॉम्बे में ज्यादातर सीरियल्स किए हैं, हाँ, और मूवीज जो की है वो ज्यादा उड़ीसा इंडस्ट्री में की है। तो अभी सीरियल का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, मूवीज का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से जो नाम, जो नेम फिर मिला है, सीरियल ने भी दिया है, बट मैं यहाँ से कुछ ज्यादा अटैच हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत प्यार मेरे को ऑडियंस ने इतना एक्सेप्ट किया। ऑल थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर संजय जी, संजय नायक, ब्रजराज मूवीज, कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया इस मूवी में, तो एक रोमांटिक फिल्म के थ्रू। wow. तो मुझे कोई टिपिकल फैमिली ड्रामा ऐसा करके आना नहीं पड़ा। एंड एज एवरीबडी नोज दैट संजय नायक एंड ब्रजराज मूवीज, दे आर अ ट्रेंड सेटर, है ना? तो उन्होंने एक आई लव यू मूवी के थ्रू एक नए हीरो को, नए फेस को लॉन्च किया, एक नए हीरोइन को आउट ऑफ उड़ीसा जाके बॉम्बे से, और पता नहीं शायद कितना उन्होंने, मुझे मालूम नहीं कितना उन्होंने ढूंढा होगा हीरोइन को, तो वो हम लोग को बाहर से, मुझे भी बाहर से लेकर आए, मुझे वो मौका दिया कि उड़िया लड़की को नहीं लिया और एक न्यू फेस को लॉन्च किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो कि मुझे उन्होंने इस आई लव यू मूवी, जिसने आप सब जानते ही हैं 18 साल हो गए, अभी भी लोग हमें उतना ही प्यार करते हैं जैसा जब मूवी लॉन्च हुई थी तब प्यार दिया था, तो इस मूवी का मुझे उन्होंने एक हिस्सा बनाया, एक आई एम very important part of I Love You movie, तो मुझे I am very proud. I am proud for both the things कि मैंने I Love You से एंट्री की और ब्रजराज मूवीज के थ्रू एंट्री की, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड भगवान की दया है कि मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया, नॉन उड़िया होके भी मुझे उतना एक्सेप्ट किया, मुझे उतना प्यार किया, रातों रात हमें सुपरस्टार बना दिया। तो अभी भी मुझे के लोगों के इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वो फैंस के वो सब आते हैं, मैम आप कब उड़ीसा आओगे, कब आओगे, रोज मुझे कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इधर उधर सब जगह सोशल मीडिया पे। तो मैं जुड़ी हुई हूँ, आती रहूंगी ऐसे ऐसे। फाइनली आप आ ही गई 10 साल के बाद, रियली वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। थैंक यू। तो जैसे कि आई लव यू के बारे में हम बात करें, मूवी के बारे में, और ये है 18th एनिवर्सरी ऑफ आई लव यू मूवी। यस, क्या स्पेशल आपने सोचा है इस ईयर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोविड का माहौल है, कुछ कुछ कम हो रहा है, पर रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, क्या फिर भी कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का आपने सोचा हुआ है? एक्चुअली सरप्राइज है वो सबके लिए, वो अब सरप्राइज है तो सरप्राइज को मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि 18 इयर्स हो गए इस मूवी को, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग अभी भी इस मूवी से इतना जुड़े हुए हैं जैसे पहले जुड़े हुए थे, ऑडियंस हमें अभी भी उतना ही प्यार दे रही है, उतना ही लाइक कर रही है, तो कुछ तो हमें हमारे ऑडियंस के लिए भी करना पड़ेगा ना, कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, तो हमें भी उनको कुछ तो पे बैक और वापस देना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटा एक सरप्राइज है, छोटा नहीं, या मैं बड़ा बोलूँ कि बड़ा एक सरप्राइज है, जो आई एम 100% श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी वो देखेंगे। वाओ,
तो आपण हिंट दउचंती की से एडको की जहा को हमें एक्चुअली देखितलु कारण आपन को सेटा डेब्यू थिला आउ जने बहुत ही बड़ा सुपरस्टार को भी डेब्यू थिला तो दु जनों को एक संग पर स्क्रीन में देखियो को मिली होगी। ओ वाओ, कुछ कुछ ऐसे ही वाओ। और भी कुछ को देखने को मिल सकता है, और भी कुछ हो सकता है। आपन को गोटे बहुत गीत पॉपुलर हेथला माने जोटा आपण आइटम सॉन्ग करथिले केमती एक्सपीरियंस आपन को लागला, केमती माहौल थिला से गीत शूट कला बेले? आइटम सॉन्ग मैंने किया, एक तो आई थिंक अभिमन्यु मूवी में एक सॉन्ग किया, उसके बाद शपथ में किया, फिर एक और मूवी थी, आई थिंक दो तीन आइटम सॉन्ग किए। तो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड क्योंकि आई लव डांसिंग, तो अच्छा लगता है। मैं पता नहीं उतनी अच्छी डांसर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आई लव म्यूजिक, आई लव डांसिंग। तो वो भी बस कॉल आया और बोले कि नहीं, पहले तो मन नहीं था कि एज अ हीरोइन आप सेट हो चुके हो तो उसके बाद आइटम सॉन्ग क्यों करना, बट फिर थोड़ा माइंडसेट चेंज किया कि कोई बात नहीं, जैसे बॉलीवुड में भी करीना कपूर कैटरीना सब लोग आइटम सॉन्ग करते हैं, तो व्हाई नॉट। और ऐसा है कि इफ यू आर एन एक्टर तो यू रियली हैव टू बी प्रोफेशनल, जो काम आ रहा है। आई एम लिटिल चूजी अबाउट वर्क, बट इफ द बैनर प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन इज गुड देन आई डोंट माइंड डूइंग, मेरे को बस काम चाहिए। काम होना इम्पोर्टेंट है, ऑडियंस से जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन पर दिखते रहो बस वो इम्पोर्टेंट है, और सबको एंटरटेन करते रहो। 18th एनिवर्सरी पाई आसीचंती आपण आई लव यू रो, किंतु आपण को भली हीरा को जे खोजी खोजी आनीथिले जो प्रोड्यूसर को जो आमे आपण को देखि पारेलु निजर करि पारलु तांको डेफिनेटली डाकिवार समय हे जाय छी। यस यस, लेट्स कॉल हिम। अच्छा हां, एक सेकंड, मैं उनको बुलाती हूं। हां, अभी फॉर अ चेंज, ओके, मैं अभी होस्ट हूं। टूटू सरे कृपया आसंतु आज्ञा बसंतु, वेलकम सर, वेलकम आपनको एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। 18 इयर्स एनिवर्सरी आई लव यू रो, जबरदस्त पार्टी तो बनता है। पार्टी तो हम लोग बना रहे हैं। अरे सुनो, हमें अभी तक पार्टी नहीं मिली। मिल जाए तो ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, इनके साथ रोज पार्टी है, रोज पार्टी है हमारी। सर अपन अपन कर फिल्म पाई की जोटा अपन कर भी एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू थिला, सेति पई अपन चिंता करले जे नहीं आमे ओडिसा रु नवे मोर हीरो पई गुटे परफेक्ट हीरोइन दरकार, से जेम को भाई हीरा को खोजिया पे अपन को केते स्ट्रगल करे को पड़थला? एक्चुअली जबो आई लव प्लानिंग कोली गुरु फैमिली पिक्चर होता बापा कर फर्स्ट प्रोड्यूसर आई लव यू नुआ कर नुआ ट्रेंड स्टार्ट आई लव यू मुझे अनुभव सैन करी से छुट दि इंच बहुत टलेस्ट हिरो मैचिंग हिरो दरकार मत भले क्या मुझे आई लव यू करी हिंदी वाले हिरो आज जाइली सिक्किम फिर जा सिक्किम गोटे आर्टिस्ट देख ली बहुत सुंदर था बट पिंक ओठ गोल मुह अटा टे चौड़ा था बट मत हर भाई कहले मो डायरेक्टर सैन करदे क्या माँ थी नेशनल आवर्ड पाई निश्चित ब्लड थी तो निज हर भाई टी मोटा लगुच कैमेरा ठीक है बट मुझे कनभीन्स है हर भाई था फाइनल रखा आ भल खोज न मिलला तो आपको नहीं ओके बुले बुले मतलब पसंद है मुझे घर छाड़ दे पड़े बम्बे से मो सांग अविनाश नंद मोर भेज क्लासमेट तेनाली देखा कल अठर दिन रही अठर दिन ये मतलब कौन सी झील पसंद है कार डेट क्लास कला कार ये बट जो दिन आपको मुझे देखिली इनस्टांट सैनिंग आउट दिली ओनली टोकन मैंने कन्फर्म में 1001 rupees। अरे वाह, यू आर माय हीरो हीरोइन। अच्छा, तो नहीं आस विश्वास कर मोर मन अच्छे सोमवार दिन कर मुहूर्त आगुरी जो मुहूर्त होता कल जो मुहूर्त होता पूजा करूँ मुहूर्त कर सुटिंग आरम्भ करूँ बट आई लव गोटे नुआ ट्रेंड स्टार्ट कला कौन मुझे दुई दिन आगे ट्राइट रखी कटक अनुम थिएटर जो करती बाबू डांस सेठी मुझे टाइटल सॉन्ग रिहर्सल करी अनुभव एंड अनुमृतम रिहर्सल करी दिन गाड़ी में बस मरुदिन सस्पेन्स गोटे स्टेज करी स्टेज हर भाई को कहली हर भाई आप डाक ब्रजराज मुवीज नुआ फर्स्ट टाइम आई थिंक ऐसा हुआ कि मूवी का मुहूर्त हीरो हीरोइन की डांस परफॉर्मेंस के साथ शुरू हुआ माने बिग पूरा बिग बजट आई लव आई लव जो माने जो कुडा मुडी हले ऊपर बैलून फुटला ओह
ତାର ଚୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ଥିଲା ଆମର ଦେବତ କର ଆଜ୍ଞା ସେ ଇନ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଗଲେ ଟୁଟୁ ଏ ପିକ୍ଚର ସପୋର୍ଟ ହିଟ୍ ହବ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମସ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ମୈଁ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡି ମୈନେ ଓଡ଼ିଶା କଭି ଛୋଡ଼ା ନହିଁ ଶାୟଦ लगता है कुछ लोगों को कि मैं बिल्कुल चाहती नहीं हूँ बॉम्बे में बहुत बिजी हूँ बट एज एन एक्टर बॉम्बे में तो काम चलता रहेगा बट मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पे भी जितना मेरे को बॉम्बे की इंडस्ट्री से प्यार है यहाँ के लोगों से यहाँ की इंडस्ट्री से भी उतना ही प्यार है एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस इंडस्ट्री आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम हमको इतने बहुमूल्य समय देते बहुत थैंक यू सो मच